बैंकों के निजीकरण को लेकर के बैंक कर्मचारी उतरे सड़कों पर। दरभंगा जिला के अंतर्गत शाम के 6 बजे बैंक कर्मचारी सड़कों पर निकले। इसमें कई कर्मचारी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं वह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि सरकार बैंकों के निजीकरण को लेकर के अग्रसर है, तो वहीं दूसरी ओर बैंक कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इसी क्रम में दरभंगा जिला के अंतर्गत आयकर चौक पर बैंक कर्मचारी निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साफ संकेत सरकार को दिया कि अगर सरकार निजीकरण पर रोक नहीं लगाती है तो सभी बैंक कर्मचारी पूरे देश में 16 दिसंबर से धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। आइए हम सुनते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर बैंक कर्मचारी ने क्या कुछ कहा। किसी भी साजिश का, नरेंद्र मोदी सरकार का, हम किसी भी सीमा तक विरोध करने के लिए तैयार हैं और उसी के लिए अभी तो ये छोटा सा आंदोलन का प्रारूप है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि हम साइन डाइट तक क्या निर्णय लें यदि ये अपने हरकत से बाज नहीं आएगा। ये आप लोग आज कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम डिमोन्स्ट्रेशन है समूचे ऑल इंडिया लेवल में, समूचे हिंदुस्तान में जिला स्तर पर ये डिमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम है। हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन सेंट्रलाइज डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। आप लोग देशव्यापी हड़ताल का भी बात कर रहे हैं, वो कब है? 16-17 को। तो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है इसके विरोध में आप लोग की सरकार बोलती है, इससे आप लोगों को फायदा होगा? क्या कौन सा है फायदा होगा? बार बार सरकार बोले, भारत सरकार बोल रही है, तो किसान को भी बोल रही थी कि इस कानून से फायदा होगा, तो रिपील काहे किया? सरकार तो एक मिनट, मेरी भी सवाल सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी इज द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी, सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो सरकार की बात मत किया कीजिए, अब हमसे आए हैं बात करने तो हमारी बात की। तो सरकार झूठ बोलती है, झूठ का प्रचार करती है और अंबानियों अदानियों का पेट भरने का साजिश कर रहे हैं। क्या देश विकास की ओर बढ़ रहा है? सरकार बार बार बोलती है विकास की ओर बढ़ रहा है। 2019 का जो हमारा विकास का आंकड़ा था उससे इस बार जो 8% दिखा रहा है वो, इसके बावजूद भी हम 19 के आंकड़ा से पीछे चल रहे हैं। इसका विकास समूचा दुनिया में जहां पर विकास रुका तो जो कोरोना के बाद में सबका विकास दर बढ़ा 1%, 2%, 3% ऐसा करके जो ग्रॉस विकास दर था। हमारे यहाँ तो विकास दर अभी भी निगेटिव में था, जो इस साल पॉजिटिव में आया है। अभी इस क्वार्टर में पॉजिटिव में आया है, वो भी पॉजिटिव में जो स्थिति है वो 19 से पीछे की है। आज का विकास क्या है? देश आज यदि विकास रहता है हमारे, हम आपके आपको आपसे भी हमारा प्रश्न है कि यदि आप विकास कर रहे होते आप फरारी बेचोगे? जिस पर आपका घर है कब बेचते हो? जब पैसे की संकट, जब हमारे पास संकट होती है। हम हवाई अड्डा को बेच दिया, हम लाल किला को बंधक, लाल किला एग्रीमेंट पे गया सर, वो बेचा नहीं गया, बंधक न है, किराए पर गया है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए दिया गया है। लाल किला की मेंटेनेंस असूल कर, सरकार तो यही बोल रही है ना कि आपसे रुपया असूल करने करता है मेंटेनेंस, सरकार कर रही है उसका मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस इतना बड़ा जी उपकारी हो जाए डालमिया मेंटेनेंस करने के लिए, तो और भी सड़क तरक मेंटेनेंस करे घूम घाम करके अपने फंड, कहीं कोई मेंटेनेंस तो है नहीं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।